जिंदाबाद 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 बंधन एकता जिंदाबाद 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 हिटलर शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी छूटा बूट की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी आप जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिटलर शाही नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा महिलाओं के ऊपर जिंदाबाद आज भारत बंद है बंद है बिहार में माननीय विधायक ही सुरक्षित नहीं है। जब विधायक को ही जूता और बूट से मारा जाता है तो आम कार्यकर्ता आम जनमानस कैसे सुरक्षित रहेगा। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में पुलिसिया कानून लागू करना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन अभी यहाँ आएगा बिना वारंट का आपको मारेगा पीटेगा जेल में बंद कर देगा, उसका आप प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी जी ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम सदन में पास होने के नहीं देंगे। इसी मुद्दा को लेकर के आज हम सड़क पर आए हैं। दूसरा मुद्दा मेरा है कि आज पूरे देश में ये चक्का जाम है, किसान चार महीना से रोड पर है, हजारों किसान ने आत्महत्या कर लिया, हजारों किसान रोड पर मर गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो तीन काला कानून लाया है किसानों के खिलाफ, या किसान का क्या 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 खिलाफ है। में महंगाई बेरोजगारी को लेकर विधानसभा का जो घेराव तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में किया जा रहा है उसमें पुलिसिया जुल्म के तहत हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, और सदन में जो घटना घटी आजाद हिंदुस्तान में आज तक हिंदुस्तान के किसी स्टेट में महिला के साथ इतना बड़ा बर्बरता पूर्वक पिटाई नहीं किया गया था। बिहार के विधानसभा के सदन में महिलाएं विधायक के साथ सिर हरण करने का काम किया गया, यह अत्यंत दुखनीय है, दुखनीय घटना है, अत्यंत कष्टकारी घटना है। जब तक पुलिसिया जुल्म और जो पुलिस अधिनियम 2021 जो ला रही है नीतीश कुमार, ये आम जनता के हित की अधिनियम नहीं है। जब तक वापस नहीं लेगी बेरोजगारों को नीतीश सरकार रोजगार नहीं देगी। किसान जो आंदोलन कर रहा है, किसानों जो तीन खतरनाक कृषि बिल लाया गया है, जब तक वह बिल वापस नहीं केंद्र सरकार लेगी लगातार हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।